Thank you.
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज स्वाम, ज कुमारी श्याम युग पल पल करुणाम, पल पल करुणाम। सनंद के अंत में दो पातियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो आज छोटी पाती का अर्थ जो भी है हम लोग बैठ करके विचार करेंगे। इसमें कुरान में जो लिखी हुई तारीखें हैं और उधर हिंदुओं के ग्रंथों में जो लिखी तारीखें हैं और वो सब, इसका वर्णन इसमें स्वामी जी ने किया है कि कब इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी लेकर के ब्रह्म सृष्टि को आएंगे, कब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार खुद जाहिर होंगे, कितने दिन तक फिर उनकी वाणी चलेगी और अंत के 10 साल जो हो गए वो कैसे बीतेंगे और कब किस साल में ये ब्रह्मांड सचराचर अखंड होगा अर्थात प्रलय हो जाएगी। तो जरा ध्यान से पहले पिछले प्रकरण की चौपाई दोहराएंगे। विराट 14 तबक सुख मन मंचे, सुख मन वंचे ब्रह्मांड सचराचर ब्रह्मा। ये बड़ी पाती खत्म होती है कि अंत समय तक सारे ब्रह्मांड को किस तरह मन वंचे सबकी मनोकामना पूर्ण करके ब्रह्मांड को अखंड करेंगे। अब सुंदर साथ के वास्ते छोटी पाती समझाई जा रही है और उसका एक एक शब्द कुछ दर्द भरा है। आज दिन संसार में हजारों तीर्थंकर अवतार गुरु आए, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जो उनके पीछे मानने वाले चले उनको चेला शब्द शिष्य शब्द ही करके कहा, लेकिन पार ब्रह्मक्षातीत अपने पीछे आने वाले सुंदर साथ को क्या कह रहे हैं ध्यान के साथ। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ा विस्तार। प्रीतम मेरे प्राण के, इंद्रावती जी कह, इन चीजों को समझने के लिए सुंदर साहब जी बड़ी गहराई वाला दिल चाहिए। प्रीतम कौन कहता है? बड़ों को, जिनके सहारे उनका जीवन होता है। तो यहाँ राज्य में राजा आके कहते हैं सुंदर साहब जी तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो, आत्मा के आधार, यानी मेरी इस मेरी आत्म का। इंद्रावती कहती है दुनिया में कोई सहारा है आधार है तो आप सुंदर साहब। मैं किनके वास्ते यहाँ पर आया, किनके वास्ते परम धाम का ज्ञान लाया, मेरा सहारा भी तुम हो, मेरा जीवन भी तुम हो, मेरे प्राण भी तुम हो, मेरे सब कुछ तुम। ए दिल भीतर देखियो, कहते ये जो कुछ मैंने कहा और आगे कहने जा रहा हूं इसको जरा दिल के अंदर, तब तुम्हारी आत्मा गवाही देगी कि ओहो ऐसे शब्द संसार में
आज दिन तक किसने हमें कहे, किसने आकर के हमको ये प्यार दे करके गले लगाया, किसने हमको परम धाम का ये सब सुख दिया, किसने हमारे आत्म को पर आत्म और अक्षातीत राज्य महाराज से मिलन का सारा रास्ता बताया। है अति बड़ो विस्तार, ये बहुत बड़ा विस्तार, बड़ी बात है, लेकिन अब यहाँ पर उतने विस्तार के साथ तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको कुछ कहता हूं। सैया सुना दौड़ियो, सही मेरी नहीं बिलम कछु अब। ऐ परम धाम के आत्मा, अब इस वाणी को सुनकर बिलम ने देरी करने का कुछ भी अवसर बाकी नहीं है, नहीं तो क्या होगा, चिड़िया चुग गए खेत, पीछे हाथ बंद, फिर पछताए क्या होता है। कहते अब भी जो सुंदर था, इस सारी बात को सुनकर पीछे रह गया तो फिर हाथ ही पछता रह जाएगा, और फिर जीवों की तरह से तड़प तड़प कर वो दुर्गति होगी जैसे श्वास से सखियां ब्रिज से रास जाने के समय में तड़पी थी, और वो दुख फिर सहा नहीं। ऐसी खबर दई मामरे, सैया सुन दौड़ी हो सब। कहते कि हे सुंदर साहब जी, हिंदुओं के ग्रंथों में सब कुछ खबर तो थी, लेकिन इशारे इशारे के साथ थे, लेकिन अरब में अक्षर के आत्म पर राज्य के जोश ने यानी उनकी शक्ति ने आकर इतना खुलासा कर दिया कि जो फिर किसी किस्म का संशय बाकी रहा ही नहीं। कागद चौदे तबक के मैं देखी हकीकत, थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, बार बार सारा नहीं खुलासा आएगा। कहते मैंने इस संसार के 14 तबक के जितने भी कागज हैं, क्या मतलब ग्रंथ हैं, मैंने उनको देखा खूब अच्छी तरह से और खूब उसके ऊपर विचारा भी ध्यान के साथ। कागज 14 तबक के, अरे मैं देखी हकीकत, सब गामे लीला जागनी पर बड़ी मोहम्मद की मत। सब ग्रंथ जो हैं भविष्य की, यहां जागनी का मतलब क्या है, भविष्य की बातें कहते तो हैं, पार ब्रह्म आएगा, बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा, और भागवत में भी कहा कि कलयुग के अंतिम चरण में आएगा, तो पंडित लोग कहते हैं नहीं अभी तो पहला ही चरण है, और उन उलझनों को कोई सुलझा नहीं सका। ये तो ठीक है कि कलयुग के शुरू हुए कभी अभी कुछ ज्यादा साल नहीं हुए, 5,500 6,000 के करीब सारी वो डेटे तारीखें आती हुई है, लेकिन तो फिर कहते हम भी कह सकते हैं सर जी उम्र तो 432,000 साल लिखी होती है, अभी तो बहुत दूर है, लेकिन कलयुग की उम्र कट जाती है जो सतयुग त्रेता द्वापर की कटती नहीं। जब एक सूर्य ग्रहण लगता है 125 साल कट जाते हैं, एक चंद्रमा ग्रहण लगता है तो 125 साल कट जाते हैं। जब स्वामी जी आए थे 1274 जो है ग्रहण लग चुके थे, केवल कुछ साल ही बाकी उम्र उसकी रह जाती थी अध्ययन के साथ, लेकिन उन्होंने भी क्लियर नहीं कहा, एक इशारा करके कहा, लेकिन मोहम्मद साहब ने तो एक एक डेट खोल करके कुरान के अंदर राज्य महाराज ने सबको रख दिया। कागज 14 तबके मैं देखी हकीकत, सब गांव ही लीला जागनी पर बड़ी मोहम्मद की मत। पर जो कुरान में कहा गया है वो बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, मोहम्मद पाती के वचन सुनियो भीम मुकंद। ये कब के शब्द हैं, जब स्वामी जी मेरते में थे, और सबको भी तक साहब का पता है कि वहां मेरते में
कोई आज की तरह से तो हर फैसिलिटी देख लिया की थी नहीं, लोटा लेके लाल दास जी, मुकुंद दास, भीम दास वगैरह स्वामी जी उनके साथ जंगल में जाते थे। तो शाम को जब वापस आ रहे थे तो मुल्ला मुनारे के ऊपर चढ़ के अजान दे रहा था, और उस वक्त ये बात सुनी, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूल अल्लाह, के मोहम्मद जो है वो अल्लाह का रसूल है। उसका सारा विस्तार मैं आपको सुना चुका हूँ। तब स्वामी जी ने सोचा भी ये मोहम्मद कौन है, के परम धाम में तो कुल चार जने रहते हैं, सत अक्षर ब्रह्म, चेतगन खुदराज जिमराज और अनंत अंग श्यामा जी और हम रहते हैं। तीन के ऊपर फरामोशी का पर्दा है, किस किस के, अक्षर ब्रह्म, सखियां और श्यामा जी के, फिर अब बाकी कौन बचा, राजिमराज बचे। ये बात वहां सोचते हैं कि भाई फिर रसूल कौन बन के आया, पांचवा तो कोई आदमी वहां जा नहीं सकता। तो इसका मतलब है राज जी खुद ही हम सुंदर सात के वास्ते पैगाम जाहिर करने के वास्ते अरब में खुद आए। बस ये बात पकड़ ली, बस फिर सबको छोड़ के सब जगह जगह चिट्ठियां लिख दी, सुनियो भीम मुकुंद जी उदो के शमशान, हम पड़ी पाती मोहम्मद की और हकीकत पाई धाम के, परम धाम की सब बातें इसके अंदर होंगी। इस वास्ते ऐ लालदास छोड़ो बस अब जागनी का काम, चलो पहले जरा औरंगजेब से बातें करते हैं। कौन होता है औरंगजेब, जो कुरान और अल्लाह का नाम मोहम्मद का लेकर के तलवार उठाता है और हिंदुओं को गोश्त और इस तरह से जबरन हिंदू मिटाकर और मुसलमान बनाता है। स्वामी जी मुसलमान धर्म के विरुद्ध नहीं हुए, नोट इट प्लीज। जो मुसलमान लोग अत्याचार कर रहे थे और कुरान के विरुद्ध चल रहे थे, उसका उन्होंने जाकर के नाश किया कि कुरान में ये सब कुछ नहीं, क्योंकि कुरान को कहने वाला कौन है, अक्षरा तीत राज्य महाराज हैं। तो राज्य महाराज कब कहेंगे कि मेरा नाम जपाने के वास्ते तुम जबरदस्ती किसी का गला काटो या किसी के मुंह में जो है मास्तो। तो इस वास्ते स्वामी जी ने कहा लालदास तू चल सीधा, क्या करेगा औरंगजेब हमारा, औरंगजेब को सुधी क्या है कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में हमारे घर की सारी बातें। ये थी सुंदर शाह जी शिवराज जी महाराज की वो ताकत जो उनको लेकर के सीधा चली गई। अब फिर होता क्या है, मोहम्मद पाती के वचन सुनियो भीम मुकुंद, अब उस मोहम्मद की पाती अर्थात कुरान में लिखा क्या है उसको जरा सुनिए। आगम था पट बीच में सो कार्या पट निकंद, जो आगम से पहले से बीच में कुरान के और श्री जी के पट लिखा हुआ था, पर्दा था कि फर्दा रोज को अल्लाह आएगा, वो पर्दा जो है अब उठा करके बिल्कुल जाहिर कर दिया कि दुनिया वालों वो अल्लाह आएगा नहीं, वो खुद आ गया है। आगम निगम सब लिखा, और उधर शास्त्रों में भी लिखा था आगम और निगम करके लिखा था, पर किसी ने इस चीज को जाहिर नहीं हुआ है उसी जे, ए बानी तो बहुत है पर नेक कहूं तुम्हें ए। स्वामी जी कहते हैं सारा कुरान या शास्त्रों को मैं नहीं लिखने यहां बैठा, उसका थोड़ा सा जो सार है वो मैं आपको बताता हूं। एक खेल है जो नींद का तामे आधी दे उड़ाए, कि ये जो नींद का खेल बनाया था इसमें आधा तो खत्म कर दिया, अब बाकी उड़ाए देता हूं तुम साथ को लीजो बुलाए। ध्यान दो सुंदरदास जी, क्या कि यहां पर जागृत बुद्ध ला करके आधी नींद तो उड़ा दी है, और बाकी जो आधा है वो कब उड़ जाएगा, जब तुम सुंदर साथ की जागनी करोगे। क्योंकि कॉल किया क्या था कि तू सो जाएगी मैं जगाऊंगी, और मैं भूलूंगी तो तुम बता, तो कहा कि जाओ। क्यों, उस दिन भी बताया था, क्योंकि भूल जाते हैं ना सुंदर साथ, थोड़ा ध्यान नहीं देते। राजी का अंग कौन है, भूल गए, हो गया का
राज्य का अंग सखियां नहीं है, राज्य का अंग श्यामा जी का, तो श्यामा जी को जगा दिया कि नहीं, बस अब आधा काम बाकी है। तभी तो सबसे पहले सतगुरु देवचंद जी श्यामा जी को कहा कि देखो श्यामा जी, मेरा काम तो हो गया खत्म, मेरा अंग तुम दे, तुमको मैंने जगा दिया, अब तुम अपना काम करो और मैं इंतजार में खड़ा हूं, फिर मैं तुम्हें परम धाम ले चलूंगा। तो हुक्म दिया, ल्याए बुलाओ रू अल्लाह रूहे मेरी जो आशक, रब्द किया इश्क वास्ते कईयो कहलाया हक, मेरा वास्ता कर कईयो। सुंदरता जी बड़ी दर्द भरी चुवैया है कि जाओ सुंदर साहब को मेरा वास्ता डालना, क्या भाई राज्य क्या कुछ ध्यान करो, राज्य तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं और वो खड़ी पुकार पुकार के तुम्हें बुला रहे हैं और तुम माया में आकर इतनी अंधकार में डूबे पड़े हो। तारीख तीन, ध्यान के साथ, बहुत है भाई, अच्छा, एक खेल है जो नींद का, तामे आधी दे उड़ाए बाकी उड़ाए दे तू, तुम साथ को लीजो बुला। तब तक कब तक आधी नींद रहेगी, जब तक सुंदर साथ की पूरी जागनी हो नहीं जाती। तारीख तीन ब्रह्मांड की, कहती हूं कर हेत, अब कुल तीनों ब्रह्मांडों की तारीख डेट का विवरा और उसका खुलासा करते हुए फिर कब हमने घर वापस जाना है, ध्यान के साथ। तारीख तीनों ब्रह्मांड की, कहती हूं कर हेत, नींद एक आधी दूसरी तीसरी में सावचेत। तीन ब्रह्मांड, पहला कौन सा, वो पूरी नींद ही नींद का था, वहां पर हमें कोई भी शुद्ध नहीं थी, और दूसरी में क्या था, आधी नींद थी और आधा सावचेत जागृत बुद्धि थी। अब तीसरी में सावचेत, कहते हैं ये भले भाग तीसरा नींद का है लेकिन अब नींद नहीं, क्योंकि जागृत बुद्ध और निज बुद्ध आ गई है। जैसे मानो एक रात होती चार चार घंटे के तीन हिस्से कर दो, तो शुरू शुरू में तो आदमी सोता है बड़ी जरा गहरी नींद में सोता है, दूसरे भाग में थोड़ी करवटें बदलने लेता, कुछ होश होती है, और सवेरे जब 3 बजे का समय होता जब उठ के ही बैठ गया, भले रात्रि तो जरूर रहती है लेकिन जो उठ के लिए उठ के बैठ गया उसको फिर दिन हो गया कि रात हो गई। स्वामी जी कहते हैं अब तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड नींद का नहीं है, क्योंकि यहां पर तुम्हें उठा के बिठा दिया गया, अर्थात अपने धाम धनी अपनी आत्म और अपने निज घर की पहचान जब होगी तो फिर नींद काहे की रहेगी। बरस 5000 पर 747 सावचेत, 5700 जब 47 इस कलयुग के प्रतिबिंब लीला के बाद हो गए, उस डेट की बात कर रहे हैं। होसी ने चलन उर नजरों, जित दिन सात बरे जित दिन हजार बरीस। अब इन 5747 में से हजार निकाल दो तो 6047 यहां तक अक्षर ब्रह्म बैठ करके जागृत रहे। अब श्यामा जी और मोहम्मद साहब का आना इसमें जाहिर होगा। होसी ने चलनोर नजरों, जित दिन हजार बरीस, या में 976 जब हुए तब हुआ नू तूफान। नू तूफान कब हुआ, जब ब्रिज में प्रलय हुआ और रास में पहुंचे, रास से आगे फिर अब चलना हूद नबी के घर और नू नबी के घर। ये कई बार बताया, जो ब्रिज की लीला है उसको कुरान में क्या कहा है, हूद नबी के घर तूफान आया और कोहतूर के तले, कोहतूर कौन, अरे भाई पहाड़ जब उठाया था ब्रिज में उसके तले बिठाया, और दूसरी बार किश्ती के पार उठा करके ले गए। अब उनको ये पता नहीं है किश्ती कहाँ गई, किस जंगल में चली गई, ये तो हम सुंदर साथ को सब पता है कि वो 40 जुट अपनी रूहों को कहाँ ले गए, नित्य वृंदावन में, और बाकी ब्रह्मांड का प्रलय हो गया।
जल ऊपर तले से उमड़िया हो गया एक जिमी आसमान, पहले ब्रह्मांड का जो परले हो गया, पार हुई ता चेरुए और सब हुए गरक, केवल परम धाम की आत्माएं जो हैं वो भव सागर से पार हुई, बाकी सारा ब्रह्मांड परलय के अंदर आ गया। फिर तीसरा ए पैदा हुआ यो देत सहदी हक, फिर ये तीसरा ब्रह्मांड जो अब बना है ये सब को जाहिर किसने किया है, खुद श्री राजीव राय ने आकर के सारे भेद खोले वास्ते ब्रह्म सृष्टि के, नहीं तो दुनिया को तो पता ही नहीं, वो तो समझते हैं वही ब्रह्मांड चला आ रहा है। कई बार बेचारे उनका दोष भी नहीं, प्रश्न भी कर देते हैं, भाई तुम्हारी अलग बात है, तुम 11 साल ही 52 दिन तक कृष्ण को मानते हो, फिर कृष्ण को क्या हो गया था, अब उनको कहां तक बताएंगे क्या हो गया था, क्योंकि वो 11 साल 52 दिन की लीला करने वाला जो था उसके बाद वही इस ब्रह्मांड में रहा नहीं, वो योग माया के ब्रह्मांड में चले गए और ब्रह्मांड का परले रह गया। पर जब प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड ज्यों का त्यों हो गया, दुनिया को पता नहीं चला कि बीच में प्रलय आई है। तो स्वामी जी कहते ये तुम्हारे वास्ते, तुम्हें समझाने के वास्ते कि उस समय इस ये ब्रह्मांड वाले प्रलय में हो गए। आइए आइए गुलशन जी आगे आ जाओ। इसके बाद आद आदम के 56 से ये दो तरह का हिसाब, एक आदम का एक आद आदम का, ये दो करके जो है उन्होंने एक का हिसाब तो पहले आपको बता दिया। अब स्वामी जी कहते हैं जब 506 ये जो लीला हुई, अब प्रतिबिंब की लीला के बाद का हिसाब है। आद आदम के 5600 बीते जब 37, तब ही 10 सदी पर होसी 90 वरीस, तब कितना हो जाएगा 1090 बरीस कहते हैं बरस को, और चिंता मत करिए वो तो चुपई का शुष्क लाने के वास्ते बरीस और इस तरह लिख दिया जाता है। तब हिंदवी के कितने वो हिजरी के सम्मत कितना हो जाएगा 910, 90 जो है होसी 90 बरीस सदी 10 सदी पर 1090 साल। श्यामा जी कब आए थे 1638 साल, तो तब कौन सा था 990। हर साल याद चपाई पड़ते हो साल 990 आप सबको याद आ जाएगा, और वैसे पूछो तो आता कुछ नहीं, साल 990 मास नव हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों, तब श्यामा जी सब सखियों को लेके आ गए, तब कौन सा समय था 990 था और 1638 था, अब वो कह रहे हैं 1090 तो 100 साल हो गया। अरे भाई 990 और 1090 100 ही तो बढ़ता है क्या कुछ और होता है, तो फिर उस समय 1638 था, 100 बढ़ा दो, अब उनके 3 साल आगे चलते हैं, 3 कम कर दो तो 1735 में हरिद्वार का प्रसंग है। आप समझ आइए क्या नहीं है, आप उधर हिंदवी सम्मत बता रहे हैं और उधर अरबी का बना रहे हैं ताकि दोनों का एक करके आपको बताएं। तब ही 10 सदी पर होसी 90 बरिस, बरिस का मतलब वर्ष बीतेंगे, मोहम्मद हुआ मेहंदी, ये हुआ मोहम्मद कौन, हुक्म का स्वरूप अक्षर की आत्म अब क्या हो गई, मेहंदी बन गए, आके स्वामी जी के अंदर पांचों शक्तियां इकट्ठी हो गई और सैयद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे तब भेली इमाम में भई, तब जो है इनको आके खिताब दिया कि तू महामती मेहंदी है, और पांचों शक्तियां हुक्म भी अक्षर की आत्म भी और पांचों शक्तियां स्थान में आके इकट्ठी हो गई। रू अल्लाह ईसा रोशन असराफील अकल, जान के साथ एक एक अर्थ कर रहे हैं, रू अल्लाह शमा मरानी ईसा रोशन असराफील अकल, सूरत साफ जबराइल आए मेहंदी में मिले सकल, पांचों शक्तियां इनके अंदर आके इकट्ठी हो गई तो बन गए पूर्ण ब्रह्म। सुंदर सा जी इतनी क्लियर होने के बाद भी यदि हमें पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत की पहचान नहीं होती
तो फिर और क्या, क्या ये पांचों शक्तियां और किसी के तन में भी इकट्ठी हुई? इकट्ठी तो तब होती अगर कोई और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म होता। अब उसका प्रमाण कुरान से भी और हिंदुओं के ग्रंथों से भी। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्राणनाथ जी ही केवल पूर्ण ब्रह्म है। नहीं तो बाइबल क्या कहती है, द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। जो एक परमात्मा भले वो कितना शक्तिशाली है, यदि खाली एक कम्युनिटी का, एक समाज का है, तो वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। मतलब नहीं है, जो पूर्ण ब्रह्म है उसका अर्थ ही क्या होता है कि वही सबका एक है। हुआ हिंदुओं में जाहिर, ये तो अब राज्य की अपनी मर्जी है पूर्ण ब्रह्म की, चाहे वो मुसलमानों के तन में आए और चाहे वो उन, हमें हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लगी है ना, उसके वास्ते तो सब एक है। तो पहली बार कहां आए थे, मुसलमानों में आ गए अरब के अंदर। अब फिर लिख भी दिया था कि अब मैं पर्दे में आऊंगा, बुरके में आऊंगा, और फिर निशान में भी क्या लिख दिया कि ऐ मुसलमानों, जब मैं आऊंगा सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से होगा, पश्चिम से होगा, अंधेरे वाला तुम्हारे लिए होगा और तुम्हें कुछ भी नजर आएगा नहीं। नहीं समझ आई? अब वो समझ बैठे गए कि ये सूरज जब मगरब से होगा तब हम समझेंगे अल्लाह ताला ना, ये नहीं। वो क्या है कि अब वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत किस में आएंगे, हिंदुओं के तन में आएंगे, और वो रोशनी जो परम धाम की लाएंगे, मुसलमान कोई भी उन पर यकीन लाएगा नहीं, क्योंकि मुसलमान हिंदू है। इसलिए ये सारे निशान, फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे सातों निशानों का अर्थ क्या होता है। रुवल्ला ईसा रोशन असराफील, अकल अकल सूरत साफ, जबराइल आए मेहंदी में मिले सकल। हुआ हिंदुओं में जाहिर, हिंद से पाक मरद, पाक मरद एक, पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नहीं कोई, और वो किस में आए, हिंदुओं के अंदर आए। इसलिए हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ का, त्रिलोकी मेरे खंड उत्तम भर्तनो, और तामे उत्तम हिंदू धर्म। क्यों हिंदू धर्म उत्तर, कि इसके अंदर पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत ने आके तन धारण किया, सबसे श्रेष्ठ हो गया। इश्क चला रसी 40 वर्ष लो हद, प्रेम का मार्ग जो ग्रंथों में लिखा था, गीता में भी कह दिया, हे अर्जुन वो परमात्मा मिल सकता है, लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, लेकिन कोई अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को चला नहीं सका, बता ही नहीं सका वो अनन्य प्रेम कौन है। प्रेम प्रेम सब कोई कहते गाते चले गए, लेकिन उस प्रेम का पता किसी को है नहीं जो आत्म के साथ पर आत्म का होता है। वो मार्ग आके उन्होंने अब यहां से चलाया। काबल हिंद के बीच में होसी इमाम रोशन, हरिद्वार बिल्कुल उधर से काबल और उधर हिंद का नीचे से लेके सेंटर पड़ता है। एली जो प्रगट इशारते दोहे रूहों का मिलन, समझे कहते हैं ये बिल्कुल सारी चीजें जाहिर जो कुरान में और शास्त्रों में लिख रखा था कि इस आत्म के अंदर आके अक्षातीश राज्य मराई कैसे बैठेंगे। कोई दूजा मरद ना कहा वही, ध्यान के साथ एक एक शब्द को सुनिए, ठीक है कोई किसी को भी अक्षातीत कहता है तो हमारी किससे लड़ाई नहीं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म एक के सिवाय और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। चाहे जैसे तुलसीदास जी ने राम भगवान को सच्चिदानंद करके लिख दिया, लिखे इस तरह से हर कोई अपने भगवानों को सच्चिदानंद कहता है, साचे दरबार की जाए हर कोई लगाए फिरता है, सारा हर कोई अपने गुरुओं को सतगुरु कहता फिरता है, और अर्थ का पता नहीं कि सतगुरु कौन होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम, सतगुरु कौन है जो पार ब्रह्म का केवल आनंद का स्वरूप श्यामा वरानी है और किसी को सतगुरु कहलाने का अधिकारी नहीं। लेकिन सारे कहते फिरते तो क्या कह लोगे,
इस तरह से हर कोई अपने अपने परमात्मा को अक्षातीत कहता फिरता है, तो कहते कहे दूसरा कोई पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ना कोई है। और आज भी जो लोग इस खोज में रहते हैं, अब समय तो आ गया, 74 आदमियों ने अपने को विजया अमिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में जाहिर कर रखा है, उनके नामों की लिस्ट भी है। जो कहते हैं कुछ दिन पहले आपने अमेरिका का भी सुना होगा, जिसको फिर गवर्नमेंट ने बंद करके उनके सारे शिष्यों सहित ही तबाह कर दिया था। तो इस तरह से नकलची भी लोग बड़े चलते हैं, अपने धर्म की महिमा गाने के लिए झूठ को भी साथ ले लेकर के ढींगा मुश्ती के साथ ही बड़ा फैलाना चाहते हैं केवल अपनी इज्जत और मान के वास्ते। झूठ झूठ होता है, सत्य केवल एक। एक मेहंदी पाक पूर्ण, एक ही पूर्ण परमात्मा क्षाति तो सच्चिदानंद है, बाकी क्या है? एको पुरुषा सभ्य नर, सब माया के हमारे तन है। मर्द तो एक पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत श्री राज्य महाराज, वही सुप्रीम ट्रुथ गॉड एक है। खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सहयन, अब वो क्या करेंगे? 36,000 आत्माएं, 12,000 परमधाम की ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि, उनको जगाएंगे जगह जगह। और रास की तरह से एक मंडल बना करके रास जागनी नहीं हुई, ये जागनी रास है, वो केवल रास थी, वो प्रेम आनंद की रास थी। और ये कौन सी रास है? जागनी है, कि जहां जहां पर उनकी ये आत्मा है वहीं वहीं जा करके जो है सुंदर साथ को इकट्ठा कर करके और वाणी सुना सुना करके जो है वो जो है उनको जगाएंगे। ये है रास जागनी। असलो जब असलो जो रुए 40, अब देखे ना आगे असलो वहां 36,000 था, बीच में 24,000 कौन है? ईश्वरी सृष्टि है। अब कहते हैं जो असल आत्माएं हैं वो कितने जुत हैं? 40 जुत, और एक एक जुत में 300-300 है। इस तरह से 12,000 का वर्णन है। तीन में 12,000 बारे भेलियां रास में, इत 24 शस्त्र कुमार, 12,000 सखियां कहां गई थी? रास में। अब 24,000 जो आत्माएं थी, क्योंकि उन्होंने श्री राज जी से ये कहलवा लिया था जब चीर हरण हुआ था कि तुम्हारे साथ भी लीला करेंगे, इस बात से वो भी भवसागर से पार हुई और रास में जाके 12,000 के साथ एक एक तन में बैठ के दोनों ने वो रास की लीला को देखा, किया नहीं, इच्छा बाकी रह गई थी, इसलिए फिर ये प्रतिबिंब की लीला हुई और उनके साथ भी लीला हुई। किसने की? गौलोक ने, क्योंकि गौलोक की शक्ति के साथ गौलोक का ही शक्ति आके लीला करेगी। जीवों के साथ लीला जीवों के परमात्मा करेंगे और ब्रह्म सृष्टि के साथ अक्षरा तीर्थ की लीला होगी। 10 बरस लोक खेल सी आखरत, आखरत जब होगी तो 10 साल तक धड़ाधड़ जगह जगह पर जो है आज उधर भी क्या होगा? देवचंद जी की पाती पढ़ के देखो, बात यह है इतनी सस्ती सस्ती किताबें उपलब्ध हैं लेकिन हम लेने में संकोच करते हैं। सतगुरु श्री धनी देवचंद जी ने आज 400 साल पहले श्री प्राणनाथ जी को एक पाती लिखी थी, वो मिल गई राजी कृपा से, वो छपवा दी है, यहां भी शायद मेरा ख्याल है मिल सकती है। नहीं पाती नहीं, स्वामी जी के धाम चलने के बाद जब बीतेंगे 1257, मतलब उस समय की भाषा लिखी है, और फिर 150 साल तक वाणी लुप्त रहेगी। 1257 और 150 कितना होगा? 1400 साल। और उसके बाद फिर 10 साल तक जागनी रास होगी जगह जगह पर। और फिर साथ क्या लिखा है कि उस 10 साल में दूसरे धर्म वालों का भी इतना जोर शोर से प्रचार हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे, इन सबको क्या हो गया? अब देखो भागवत दे रामायण दे सारे तक तक लगे, उस पाती को पढ़ो आंखें खुल जाती, एक एक शब्द सत्य हो रहा है। और उसके बाद फिर 3 साल और बीतेंगे कि ब्रह्मांड भवसागर से पार अखंड।
हो जाएगा, 2000 साल का समय आ जाएगा। अब आगे क्या होना है ये राज्य जाने, ये मैं नहीं जानता, मुझे कुछ पता, क्योंकि राज्य की बात राज्य ही जान सकते हैं। जो कुछ सामने आती है वो पढ़ के आपको सुना सकता हूं। अब उसी का बेवरा यहां शुरू है। 10 बरस लोग खेलसी होसी विनोद कई हांस, कई प्रकार के जो है जागनी की लीला में अनंत प्रकार के जो है सब सुंदर साथ हांस विनोद करेगा। सबके मनोरथ पूरे करसी बड़ो विलास, सबके तो सब एक जगह थोड़े इकट्ठे हो सकते हैं, सारे देश में कहां कहां पर जो है सुंदर साथ है वहीं वहीं जाकर के वाणी चर्चा से सबकी इच्छाएं श्री राज्य महाराज पूर्ण करें। सत विराट में पसरिया काड़िया कुली जालम, 14 तबक सचरा चर नूर इश्क हमारा हम, सब जगह पर जो है ये वाणी फैल जाएगी और सारा ब्रह्मांड भव सागर से पार हो जाएगा। एक जरा जुलम ना रहे वही तब क्या होगा, आज कितना जुलम है, सितम है, लूट है, मार है, घसूट है, और उस समय कोई जरूर क्यों, सब एक रस, सारी दुनिया मिलसी एक ठहर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा और एक प्रेम के बिना और कुछ रहेगा ही नहीं। बरसे और सुख संसार में विकार काटे सब कर्म है, सब के विकार के कर्म जो हैं सबको स्वामी जी माफ कर देंगे, निर्मल कर देंगे। जब पूर्ण सदी अग्यारी, अब फिर चलिए कहां, हरिद्वार में चलिए, जब पूर्ण सदी 11वीं तब जागनी दास तमाम, अर्थात जो वाणी उतरनी थी वो पूरी उतर जाएगी 11वीं सदी में। वहां पर 11वीं सदी पूरी नहीं हुई, कितने सम्मत थे, 1090 बाबा, अभी तो सुन रहे हो, कुछ तो थोड़ा याद रखा करो, 10 और बढ़ा दो तो 35 और 10 45, 3 साल बाद में थोड़ी वाणी लेट हुई जो 48 में जाके पूरा कुलजम स्वरूप सा पूरा हो गया। ये जागनी का पूरा समान है। मन चाया सुख दे सबो, हंसते उठे घर धाम, अब सबकी मनोकामना पूर्ण करके अब श्री राज्य महाराज ने 5वें दिन की लीला पूरी कर दी। फिर क्या कहा, दिन एते हक यश गाया, लो दुन्नी का बेवरा कर, अब हुक्म हाथ अपने श्री राज्य महाराज ने लिया जो दिया था महामती के सिर पर हो गया। तो फिर उसके बाद परम धाम नहीं चले गए, अब हुक्म दरवाजा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। जिस जिस फिर आत्म से 40 जूथ और भी तो हैं, जिससे जो जो काम लेना है पूर्ण ब्रह्म अब और कोई नहीं हो सकता, वो एक जिससे जितना काम लेना है उतनी शक्ति देके अपनी कृपा से काम राज्य ही करते हैं, अपनी शक्ति से करते हैं, अपनी कृपा से करते हैं, पर तन किसी आत्म का पकड़ लेते हैं। मन चाया सुख दे सब, हंसते उठे घर धाम, पीछे सदी 11 के जब होसी 30 बरस, 11 के 10, 12 के 30, ईसा पाशाही परस 40, ये उसका वर्णन है। बनी आदम है पशु पक्षी नूर इश्क पिलाया रस, नूर इश्क अर्थात परम धाम की कुलवाणी, खिलवत सागर श्रृंगार परिक्रमा, ये सारा रस जो है इस संसार में उतराया। रोशनाई नूर बुद्ध की रही ना किसी की हाम, अर्थात अक्षर की जागृत बुद्ध और निज धाम से परम धाम की वाणी ने आके सब के संशय मिटा दिया। क्या कि जो आज दिन तक किसी को नहीं पता था परमात्मा कहते किसको हैं, परमात्मा का परम धाम कहाँ है, परमात्मा की स्वलीला अद्वैत क्या है, उनके अनंत का स्वरूप क्या है, वो सारे संशय मिटा के लाके इस वाणी में जाहिर कर दिए। रोशनाई नूर बुद्ध की रही ना किसी की हम, बारी सदी संपूर्ण ब्रह्मांड को पायो इनाम। फिर धीरे धीरे 12वीं सदी में ये वाणी का महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा जगह जगह पर जो है मोमनों को भेजना, भैया सीताराम जी को, दयाराम जी को और उधर केसर भाई को नौतनपुरी भेजा, जगह जगह जो है वाणी का पसारा।
शुरू हो गया। अब ध्यान के साथ, जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा रहेगा, अक्षर के दो चश्मे नासे नूर नजर, दो चश्मे कौन से, जबराइल और असराफील, जिसको परम धाम के खिलवत खाने के कुछ भी सुख का पता नहीं था, अब ये वाणी उतरती रहेगी। जब तक चर्चा वाणी होती रहेगी तो जबराइल और असराफील भी इसका रस पीते रहेंगे। अक्षर के दो चश्मे नहासी, आनंद मनाएंगे, नहाना मतलब विभोर होना, डूबे रहना चर्चा वाणी के अंदर। नहासी नूर नजर, बीसा सौ वर्षों कायम होसी विराट सचराचर। ये सुंदर साजी वाणी कहां उतरी थी, खत्म। अरे नहीं पता होता तो मन बोला करो, सनंद चल रही है। और पन्ना जी 35 बार बता चुके सनंद कब उतरी, हाँ जब रास्ते में जा रहे हैं आप चले जाना बुलंदशहर अनूपशहर, और वहां से पूछ के आओ जी 2700 क्या। पन्ना जी में चले जाओगे तो 2700 कहते हैं 120 को, गलत है वो, टोटली गलत है। जिस जगह पर वाणी उतरी है स्वामी जी ने वहीं की ही भाषा बोली। तभी कहा खेल में मेहंदी तोतला बोले अनेक भाषा। गुजरात गए गुजराती की भाषा, सिंध में गए सिंधी की भाषा, आगे आए अगली भाषा, बुलंदशहर में गए तो बुलंदशहर की भाषा। मैं खुद वहां हमारे डॉक्टर सुंदर साहब थे वहां गए, मैं कभी पता तो करें, आज भी वो 2700 कहते हैं जी 2000 साल को, तो ये वहां के हिसाब से ये हिसाब बनता है। अब मध्य प्रदेश में चले जाओगे तो 2000 को 120 कहते हैं। बस जो लिखा है मैं उतना ही बता सकता हूं। 2700 वर्षों कायम होसी विराट सचराचर, 2000 साल में सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। आगे भैया राजी जाने और आप मुझे कुछ बताइए। ए तलबे तुम वास्ते कौन, जबराइल और असराफील और अक्षर ब्रह्म तड़पता रह गया तुम्हारे दर्शनों के लिए, इसकी क्या इच्छा हुई थी। अब भूल जाते हो ना सारी बात, अक्षय ब्रह्म ने क्या चाहना की थी कि मुझे परम धाम की आत्माओं के आनंद की लीला बताओ। ए तलबे तुम वास्ते, अक्षर और उसके दोनों चश्मे, जबराइल और असराफील सदा तुम्हारे दर्शनों की ये चाहना करते थे। मैंने एक देखी किताब, मैंने कुरान में अच्छी तरह से चीज को जो है देखा है। बेरीज करी विराट की, स्वामी जी कहते हैं इस विराट को कब बेरीज में नहीं अखंड होना है, वो मैंने आपको जर्रा जर्रा बता दिया है। बेरीज किसको कहते हैं, अखंड होने की तरीका सारा बेवरा आपको खोल करके बता दिया है। ए परियो चित दे, कहते हैं जरा चित दे करके पढ़ना, ये कोई किसी कवि की लिखी बात नहीं या किसी एक सुंदर साथ की लिखी बात नहीं या किसी अगवे बड़े की बात नहीं है, ये खुद अक्षरा स्टंप लगा के रखी हुई, मोर लगा दी है कि इस तारीख को ये ब्रह्मांड खंड होगा, ऑर्डर इज ऑर्डर, कोई नहीं बदल सकता। अब भाई होना कैसे है ये जितना लिखा है उतना ही खोल के आपके सामने रख। बेरीज करी विराट की, ए पढ़ियो चित दे, कहते मैंने सारी तारीख डेट लिख के ब्रह्मांड के अखंड होने का बेवरा कर दिया, जरा चित दे कर नम्रता के साथ मान गुमान अहंकार को एक तरफ रख के जरा इसको पढ़ना ठंडे दिल से, एक एक बात आपको समझ आ जाएगी। खेलाए रास जागनी झलकाऊ नूर ए, स्वामी जी कहते हैं जो लिख दिया है ये करके मैं जाहिर करूंगा सब कुछ, ये ना सोचो कि ये खाली लिख करके ही रख दिया है। मेहंदी हद्दा कर दे, इस चपैयों में इन प्रकरणों में कोई महामती का नाम नहीं है।
ये किसका है? राजी के अपनी सिस्टम। और कुछ शब्द इधर उधर या उधर हो सकते हैं, पर श्री राजी महाराज की स्टंप वाली बात कभी भी इधर उधर हो सकती ही नहीं। मेहंदी हदा कर दे, मेहंदी कौन? अरे इतने इतने बार आपको बताया, इंद्रावती की आत्म ने श्री राजी महाराज से मिलकर के सारी बातों के भेद खोल दिए। पर इमाम बताई राह, इमाम कौन? खुद श्री राजी महाराज ने सारे रास्ते ही खोल करके परम धाम के और सब संसार की जो गुजली बातें थी जिनको कोई खोल नहीं सकता था, वो सारे छुपे भेदों को और एक एक तारीख को, एक एक दिन को, माह परले को सारा कुछ खोल करके इमाम किसने? राजी महाराज ने खुद बता दी है। पहुंचे अर्श महाराज को, अब जब ये समय हो जाएगा तो हम रूहें कहां पहुंचेंगी? अर्श महाराज साक्षात से राज्य महाराज के जाकर के मूल मिलावे में उठ करके दर्शन करेंगे। हंस मिलिया रूहें खुदाए, तब जब फरामोशी का पर्दा उठेगा, मूल मिलावे में हम खड़े होंगे तो बस राज्य से चिपट जाएंगे। मेरे राज्य महाराज क्या खेल रचा दिया था, क्या अकल पे पर्दा डाल दिया था, कैसी उलझनों में डाल दिया था, और कैसी कृपा करके अब आप हमें बुला करके ले आए हो। बोलो श्री प्राणनाथ। चपाई दुराते, उसके बाद प्राणनाथ प्यार मेहंदी हदा कर दे, घर इमाम बताई रा, पहुंचे अर्श महाराज को, हंस मिलिया रूहें खुदा, हंस मिलिया रूहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज। Thank you.